वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक के दौरान कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। बताया जा रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में 10 नए नामों को जोड़ा गया है, जिसमें पूर्व झारखंड के अध्यक्ष दीपक प्रकाश का भी नाम शामिल है। सतीश पुनिया को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम में जगह दे दी गई है। लिस्ट में सुरेश कश्यप, संजय जायसवाल जैसे वो तमाम नाम हैं जो अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा होंगे। विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक का भी नाम जुड़ा है। रविकांत राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। रविकांत, बहुत अहम ये बैठक मानी जा रही थी क्योंकि 2024 को लेकर नई नई रणनीति बनाने में बीजेपी लगी हुई है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किन किन बड़े नामों को जोड़ा गया और क्या बताया जा रहा है उनके बारे में? देखिए ज्योति, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन में बदलाव कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 10 नए सदस्यों को जगह दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें इन लोगों को जगह दी गई है जो किसी राज्य के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे और उनको हटाकर नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उनमें सतीश पुनिया जो हैं वो राजस्थान से हैं, दीपक प्रकाश जो हैं झारखंड से हैं, अश्विनी शर्मा बंगाल पंजाब से हैं, बंदी संजय कुमार तेलंगाना से हैं। ऐसे 10 नाम हैं जिनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जगह दी है। तो ये 10 बड़े नाम बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा होंगे। 2024 के मद्देनजर अपनी कार्यकारिणी में फेरबदल बीजेपी कर रही है और ये बड़ा फैसला आज की बैठक के बाद लिया गया। शुक्रिया रविकांत पूरी जानकारी के लिए।